कर्मियों के लिए बड़ी राहत की सौगात दी है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने पुलिस विभाग में तैनात समस्त महिला पुलिस कर्मियों को 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए अवकाश दिया है। जिले में पहली बार इस तरह की पहल की गई है जब महिला पुलिस कर्मियों को रक्षाबंधन के पावन पवित्र पर्व पर विशेष अवकाश दिया गया हो, जिससे महिला पुलिस कर्मियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति महिला पुलिस कर्मियों का विशेष आभार व्यक्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि धौलपुर जिले में इस बार जिला पुलिस प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने इस नई पहल के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मियों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की है, जिसके चलते पुलिस विभाग में तैनात सभी महिला पुलिस कर्मियों में भरी खुशी देखी जा रही है। एसपी शेखावत ने बताया 3 अगस्त 2020 को पवित्र एवं पुनीत रक्षाबंधन का त्यौहार है। सनातन धर्म के इस त्यौहार में भाई बहन का प्रेम का अटूट रिश्ता होता है। पुलिस की नौकरी सबसे अहम और कठिन होती है, ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों के लिए इस त्यौहार को मनाने के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की गई है। जिला पुलिस प्रशासन में तैनात सभी महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से मुक्त किया गया, जो रक्षाबंधन का पर्व अपने घर एवं परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर सके। उधर महिला पुलिस कर्मियों ने बताया कि जिले में पहली बार किसी अधिकारी ने इस तरह की घोषणा की है। महिला पुलिस कर्मियों अपने परिवार एवं भाइयों के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाएंगी। जिले भर के पुलिस थानों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों में एसपी द्वारा किए गए अवकाश से भारी खुशी देखी जा रही है। आपका नाम? एसपी साहब महोदय ने धौलपुर जिले में पहली बार ये मुहिम शुरू की है कि मतलब रक्षाबंधन त्यौहार जो भाई बहनों का त्यौहार है, इसलिए सारी महिला कॉन्स्टेबल जो पहले कभी अपने घर नहीं जा सकती थी, वो जाकर के अपने घर भाई बहनों के साथ अपने रिश्तेदार अपने घर पर जाकर के दूर दराज से आती हैं, वह भी अपने घर जा सकती हैं और इस त्यौहार को बड़ी खुशी और उल्लास से मना सकती हैं। एसपी साहब का कहा कि मतलब इसी के लिए बहुत ही हम हमारी जगह आवाज़ व्यक्त करते हैं कि इस तरह की मुहिम करके हम जैसी महिला कांस्टेबल जो बहुत दिनों तक अपने घर नहीं जा सकती, वो अब जाकर के अपना त्यौहार अपने घर परिवार में अपने भाई बहनों के साथ मना सकते हैं। श्रीमान एसपी साहब ने ये रक्षाबंधन का हमें अवकाश दिया, ये जिले में ऐसा पहली बार हुआ है। हम उसको बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं एसपी साहब का कि उन्होंने हमें इस रक्षाबंधन का अवकाश दिया कि अब हमें इस रक्षाबंधन पर अपने घर पे जाकर के अपने भाई बहनों को राखी का त्यौहार अच्छे से मना सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति। हाँ सर, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 3 अगस्त को पूरे जिले में जो भी महिला पुलिस कर्मी हैं उनको ड्यूटी से मुक्त किया गया है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि रक्षाबंधन के दिन किसी भी महिला पुलिसकर्मी से कोई ड्यूटी नहीं ली जाए और उसको पूरी तरह मुक्त